वो इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है, इसकी इक्वेशन बेटा ट्रेस करनी है। तो बेटा हाउ यू नीड टू ट्रेस द इक्वेशन, के जो प्रोडक्ट फॉर्म हो दैट शुड बी 1 मोल। तो ये प्रोडक्ट है बेटा, एग्जामिनर ने बताया हुआ कि इसकी इंथैल्पी चेंज फॉर्मेशन, आप लोगों ने इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है। तो अब बेटा इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, थोड़ा सा लिखना छोड़ें बेटा, कितने एलिमेंट्स है बेटा, 3 एलिमेंट्स हैं। हाँ फर्स्ट हाँ नहीं है, फर्स्ट एलिमेंट कैल्शियम है, फिर दूसरा एलिमेंट कौन सा बेटा, नाइट्रोजन डायटोमिक है, थर्ड एलिमेंट इज ऑक्सीजन भी डायटोमिक है। अब इनकी स्टैंडर्ड स्टेट्स क्या है बेटा, कैल्शियम सॉलिड है, N2 गैस है, O2 भी गैस है। अब बैलेंस कैसे करें, O के साथ O2 के साथ 3 लगा दें, तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, ठीक है। अब बेटा आप लोगों को मैं दे रहा हूं ये कंपाउंड्स, इनकी इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशंस बेटा कंस्ट्रक्ट करें। जस्ट कंस्ट्रक्ट दीज इक्वेशंस, इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन फॉर H2O लिक्विड, इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सॉलिड, इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। बेटा ये इक्वेशंस आप खुद क्राफ्ट करें, जिस एंड इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 गैस। तो चले आपकी कुछ प्रैक्टिस होगी। बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इफ आई राइट इक्वेशन लाइक दिस बेटा, हाफ H2 गैस प्लस हाफ I2 गैस गोज टू HI गैस, तो मैं क्या बोलूंगा बेटा कि ये जो इक्वेशन है ये किस एनर्जी चेंज को शो कर रही है, क्या ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI की इक्वेशन है, क्या ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI की इक्वेशन है। एलिमेंट्स को अपनी स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट में होना चाहिए, क्या आयोडीन की स्टैंडर्ड स्टेट सॉलिड है गैस है, तो आयोडीन इस केस में अपनी स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट में नहीं है, आयोडीन इज सॉलिड, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर एट RTP, तो ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI की इक्वेशन नहीं है। अब अगर स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI की इक्वेशन लिखनी पड़े तो बेटा उसके लिए हमें क्या लेना होगा, हाफ H2 गैस और हाफ I2 सॉलिड लेना होगा, गोज टू HI गैस। अब ये इक्वेशन एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI की इक्वेशन है, ठीक है, ये इक्वेशन स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन है। बेटा ये बताओ कि अगर स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये इक्वेशन हम ट्रेस करें, और ट्रेस इस तरह से करें, CO स्टैंडर्ड स्टेट कार्बन मोनोऑक्साइड की गैस है ना, और ऑक्सीजन की भी गैस है। बेटा देखे सामने, क्या ये फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की इक्वेशन होगी, नहीं होगी। क्यों बेटा क्यों नहीं होगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, नॉट एन एलिमेंट, नॉट एन एलिमेंट। तो फॉर्मेशन की जो इक्वेशन है उसमें लेफ्ट साइड पे एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है, लेफ्ट साइड कार्बन डाइऑक्साइड की अगर इक्वेशन होगी तो फिर लेफ्ट साइड पे एलिमेंट्स होंगे। जी बेटा ये कार्बन की कंबस्शन है, ठीक है बेटा, ये इक्वेशन एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। यू गॉट दिस थिंग, इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है वो ये है बेटा,
बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन कैन बी एंडो कैन बी एक्सो. व्हाई इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन कैन बी ईदर एंडो और एक्सो, एक्सो और एंडो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं. आपको मेमोराइज नहीं करना कि कब इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन एंडो है और कब इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन एक्सो है, आपको मेमोराइज नहीं करना, लेकिन पॉसिबिलिटीज दोनों हैं. इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन कैन बी एंडो और कैन बी एक्सो, ये आपको पता लगाने की जरूरत नहीं. अगर कैलकुलेशन आप कर रहे हो तो उसमें जो साइन आएगा साइन से आपको पता चलेगा, आगे कैलकुलेशन आएंगी कैलकुलेशन के साइन से पता चलेगा, लेकिन इन जनरल आपको ये पता होना चाहिए कि इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन एंडो एक्सो दोनों हो सकती हैं. व्हाई दोनों क्यों हो सकती हैं? देखो अभी हमने एक इक्वेशन लिखी हाफ एच टू गैस प्लस हाँ एनर्जी नेट एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब दोनों चांसेस क्यों हैं? एच आई गैस बेटा ये भी जरा सुने, आपने ओ लेवल्स में क्या पढ़ा था बेटा, ये एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन है ना, ठीक है ऑफ एच आई गैस. तो देखो लेफ्ट साइड पे बॉन्ड्स क्या होंगे, ब्रेक होंगे, यहाँ बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, तो बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक यानी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी ना. और बेटा राइट साइड पे क्या होंगे, बॉन्ड्स मेक होंगे, तो बॉन्ड मेकिंग इज एक्सोथर्मिक, बॉन्ड मेक होंगे, बॉन्ड मेकिंग इज एक्सोथर्मिक. अब हमें नहीं पता कि एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब ज्यादा होगी, यानी एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन के केस में बॉन्ड ब्रेक भी होंगे बॉन्ड मेक भी होंगे. तो किसी इक्वेशन में बॉन्ड ब्रेकिंग में ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, किसी इक्वेशन में बॉन्ड मेकिंग में एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी. तो किसी रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव आएगी, किसी के लिए नेगेटिव आएगी. तो आपको बस कॉन्सेप्ट वाइज अपने जहन में रखना है कि एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन कैन बी एंडो और कैन बी एक्सो. दैट इज व्हाट वी हैव बेटा फॉर टुडे.